खबर रीवा से है, जहां गत दिवस कलेक्टर मनोज पुष्प ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता की योजना है। इस योजना के द्वारा 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत कई वृहद जल योजनाओं का कार्य किया जा रहा है। इनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिन गांवों में निर्माण कार्य पूरा होकर पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है, वहां से भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बैठक में कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। पीएचई विभाग द्वारा लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों पर 9,59,538 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह ने बताया कि मेसर्स शिव पूजन सिंह एसोसिएट रीवा पर 88,590 रुपए तथा मेसर्स अनीता सिंह रीवा पर 92,520 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मेसर्स सुशील मिश्रा रीवा पर 3,59,220 रुपए, मेसर्स नीरज कुमार त्रिपाठी पर 67,020 रुपए तथा ठेकेदार अमित सिंह पर 3,32,188 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी ठेकेदारों को तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरे करने की हिदायत दी गई है। समय सीमा कार्य पूरा न होने पर इनके ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी।